तो इसी दृष्टि से हमारे देश में क्या है कि बड़ा क्षेत्र तो सरकारी है। आपके बैंक में भी और एक आपको संकल्प पत्र में भी है, मीनानाथ बत्रा जी हैं, उनके बारे में पत्रकार भाइयों को पता ही होगा कि गीता कैंपस में हम बैठे हैं मंदिर में, इसकी जी हैं। 3 दिन से यहाँ चरित्र निर्माण और विकृत विकास की राष्ट्रीय कार्यशाला चल रही है, ताकि हमारे लोकल कार्यकर्ता हैं और हमारे हरियाणा प्रांत के लोग अलग हैं जो यहाँ पर कार्य में रहते हैं। ये यहाँ जो 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हो रही है, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के माध्यम से ये कार्यशाला का आयोजन हो रहा है और चरित्र निर्माण व्यक्तित्व के समग्र विकास पर ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण आधारभूत विषय है एक प्रकार से। जब स्वामी विवेकानंद जी को पूछा गया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो स्वामी जी ने छोटे 2 शब्द अंग्रेजी में कहे थे, मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, तो चरित्र निर्माण व्यक्तित्व विकास। आज हम पढ़ाई में डिग्रियां दे रहे हैं, बांट रहे हैं, PhD भी बच्चे कर रहे हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सब हो रहे हैं, लेकिन एक चरित्रवान अच्छे नागरिक तैयार नहीं हो रहे। ये सारी हमारी समस्या की जड़ यहाँ है। तो ऐसे बच्चे चरित्रवान कैसे बने और उनका समग्र विकास व्यक्तित्व का हो। आज बच्चे, हर बच्चा कोई भी कोर्स पूरा करे, आखिरी में क्या इच्छा है, कहीं नौकरी लग जाए बस। तो हर व्यक्ति नौकर बनना चाहता है, जो नौकर नहीं बनता है वो बेकार बनता है। वास्तव में तो 15-15, 20-20 साल जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बच्चे खर्च कर देते हैं शिक्षा के पीछे। इसके बाद तो उनमें इतनी क्षमता निर्माण होनी चाहिए कि वो 20-25-50 लोगों को नौकरी दे सके, अपने पैरों पर खड़ा रह सके। तो क्योंकि इनका एक सीमित मात्रा में उनकी रटी रटाई पद्धति से शिक्षा दी जा रही है, उनका समग्र विकास व्यक्तित्व का नहीं हो रहा है, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ये दोनों जो आधारभूत बात है, इसको लेकर ये कार्यशाला है।